आगे देखिए 22 जुलाई को क्या हुआ। 22 जुलाई पेड सी, पेड सी देखो अपने सामान खरीदा था ना सी से, उसकी एंट्री आ गई एक तरह से। पेड सी 690 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब लिखा हो इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई तेरा 100 रुपया देना सी, अले 90 दे के अपना लेन देन खत्म कर, फुल सेटलमेंट कर ले। जब भी फुल सेटलमेंट लिखी हो तो समझ जाना कि हमने जितना देना था उससे कम दिया है। तब उसने लिखा कि 6690 690 रुपये दिए हैं फुल सेटलमेंट। अब आपको जब भी फुल सेटलमेंट का नाम दिया, इट मीन पीछे कुछ आपने उसके उससे लेन देन किया। अब सी नाम पहले भी आया तो सी से हमने 700 रुपये का सामान लिया है बेटा जी, और कितने पैसे जो है उसको दिए 690, इट मीन हमने कितने वापस छुड़वा लिए उससे 10 रुपये। अब डिस्काउंट छुड़वा लिया आपका इनकम है, अगर आपने डिस्काउंट किसी को दिया है वो आपका खर्चा हो जाता है। अब आपकी एंट्री क्या होगी, आपने पेमेंट दिया किसको दिया, सी को, सी बन गया रिसीवर। सीज अकाउंट डेबिट टू कैश, सी को देना कितना था 700, दिया कितना आपने 690, 10 रुपये आपने छुड़वा लिए, वो आपकी इनकम है। किसी को 700 देना था 690 दे दिए तो आपकी अच्छी बात ही ना आपके लिए, तो 10 आपने जो छुड़वा लिए उसको लिखेंगे टू डिस्काउंट टू, ये डिस्काउंट है बेटा, टू डिस्काउंट रिसीट अकाउंट। ठीक है, तो ये थी आपकी 22 जुलाई की एंट्री। तो नेक्स्ट पेज हम कर रहे हैं 25th की एंट्री, 25 जुलाई, उसमें है विड्रो गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तुम लोग को पहले भी सिखाया था कि जब कोई कैश या सामान जो प्रोपराइटर है, जो ओनर है, अपने पर्सनल के लिए, पर्सनल यूजेस के लिए लेके जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग काउंट डेबिट, पैसा नहीं लेके गया वो, गुड्स लेके गया है, तो ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्रॉइंग काउंट डेबिट टू परचेजेस, आपका परचेज किया हुआ सामान चला गया किस में गया, ड्रॉइंग में। तो कितने है वो, दैट इज 200 200। नेक्स्ट है आपका 26th को कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब अपने बैंक से पैसा निकलवाया, आपको घर, आप घर नहीं लेके आए, सॉरी, जैसे मतलब बैंक से अपने पैसा निकाला है दुकान पे ले, क्योंकि दुकान पे आपको किस जरूरत है ऑफिस कामों के लिए, किसी को सैलरी देनी होगी या कुछ भी। अगर तो पर्सनल यूज के लिए आता था तो फिर वो भी ड्राइंग होता, पर अब उसने बोला कि बैंक से आप पैसा लेके आए हो फॉर ऑफिस यूज। जब ऑफिस यूज लिखा है तो सिंपल है कि वो नॉर्मल है, ऑफिस के लिए खर्चा है। तो पैसा आ गया क्योंकि पैसा निकलवा के ले आए हैं, और किसने दिया, कहाँ से निकल गया पैसा, बैंक से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब बैंक में जमा कराते हैं तो इसकी ही उल्टा एंट्री हो जाती है, बैंक ऊपर चला जाता है कैश नीचे, क्योंकि कैश चला गया बैंक में जुड़ गया, अब बैंक से निकल गया तो नीचे आ गया और कैश बढ़ गया हमारे पास, कितना है 400 400। उसके बाद आ गया हमारा 26th को, फिर है कहता है परचेज इन्वेस्टमेंट। अब आपने क्या किया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट निवेश किया, किसी जगह पैसे लगाए, है ना, तो अभी आपके पास क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्या चला गया, कैश चला गया टू कैश 1500 1500। आगे आ गया पेड रेंट 30 जुलाई को, पेड रेंट 45 एंड सैलरी 100 फॉर द मंथ। आपने रेंट पे किया और सैलरी पे की, दोनों पे किया तो कैश गया होगा, दोनों ही आपके खर्चे हैं, हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या गया टू कैश, कितना गया 45 का रेंट है और 100 रुपये की सैलरी, 145 से कैश चला गया। नेक्स्ट है आपकी लास्ट एंट्री 31 जुलाई को रिसीव कमीशन। अब आपको कमीशन मिली कहीं से, कमीशन मिली तो कैश आया है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू किस, इनकम का नाम, जैसे ऊपर खर्चे का नाम था, खर्चे ऊपर होते हैं इनकम नीचे, खर्चे से पैसा जाता है तो टू कैश, इनकम से पैसा आता है तो कैश ऊपर, कैश टू कमीशन, कितना आ गया 125 125। फिर आपने लास्ट में जितनी आपके पास जनरल एंट्रीज हमने की, जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया ये पेज जितनी भी हमने की है, और ये उसमें आपका सबका साइड का डेबिट साइड का टोटल करके लिख देना है, क्रेडिट साइड का टोटल करके लिख देना है, वो इक्वल आने चाहिए, ये इतना हमारा जो है। और हर किसी की जो बींग जो भी क्वेश्चन में लिखा इन्वेस्टमेंट, जो अपने पढ़ के ये एंट्री डाली, बस आगे वो लाइन लिख देनी हर जगह, ठीक है। तो ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया, मैं फिर क्लियर कर देती हूँ कि आप एंट्री जो है, सॉरी, यहाँ पे है
ये जो एंट्री है आप कंबाइन भी डाल सकते हो कैश स्टॉक टू कैपिटल, या अलग अलग भी डाल सकते हो कैश टू कैपिटल स्टॉक टू कैपिटल, दोनों नहीं डालनी कोई एक, या अलग अलग या एक, और दोनों इसमें एक का ही अमाउंट कैलकुलेट करना, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया कोई भी एक एंट्री को कंसिडर करना है। थैंक यू बेटा।